नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। फायर सीजन में बड़ा कुमाऊं में वनाग्नि का आशंका, जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम अलर्ट। पहाड़ों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जंगलों में आग लगने की आशंका बढ़ गई है, जिसको देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। वही वन विभाग के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन ने कई बैठक भी कर चुके हैं, पिरुल को हटाकर आग कंट्रोल करने के आदेश दिए गए हैं। राजाजी पार्क में आपसी संघर्ष में एक नर हाथी की मौत, दूसरे की तलाश जारी। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के कुनाऊ रेंज में एक नर हाथी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हाथी के शरीर पिंजरे में देखने को मिले, हालांकि उसके दांत समेत अन्य अंग सुरक्षित हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आपसी संघर्ष में उसकी मौत हुई है। उत्तराखंड से दुखद खबर, घरेलू मौत, आवार सांड ने महिला को सिंह से उठाकर पटक डाला, हुई मौत। नैनीताल की काला ढूंगी से दुखद खबर है। कहते हैं ऊपर वाले ने जितनी लिखी है वो उतना ही जीता है, जो होना होता है वो होकर रहता है। जब मौत आनी होती है तो घर बैठे बैठे भी आ जाती है, ऐसा ही कुछ हुआ काला ढूंगी में एक महिला के साथ। दरअसल काला ढूंगी थाना क्षेत्र की कमलुआगंज में आवार सांड ने महिला को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी मिली है कि आवार सांड गायों के साथ महिला के घर में आया, महिला उसे भगाने लगी, तभी सांड ने महिला पर हमला कर दिया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोग उसे हल्द्वानी इलाज के लिए ले जाने लगे, लेकिन महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला की मौत उसे घर से खींच ले गई। जानकारी मिली है कि मृतक का पति भीमपुरी कमलुआगंज निवासी दयाल चंद्र मजदूरी करता है। मृतक के पति ने जानकारी दी कि मंगलवार की शाम 6 बजे उसकी पत्नी दीपा देवी घर थी। रोजाना की तरह उसकी गाय जंगल से चरने के बाद घर आई। गाय के साथ एक आवारा सांड भी घर आया, डंडे से मारकर उसे भगाने की कोशिश की तो सांड ने महिला को सिंह से उठाकर फेंक दिया। महिला गंभीर रूप से घायल, गंभीर हालत में उपचार के लिए काला ढूंगी अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे हल्द्वानी रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में महिला ने सांस छोड़ दी, जिससे मृतका के परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस की नाक के नीचे चोरों ने 3 दुकानों में किया हाथ साफ, CCTV में कैमरे में कैद वारदात। राजधानी देहरादून में चोर आए दिन पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। चोर पुलिस की नाक के नीचे वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस को खबर तक नहीं लगती। ऐसे एक मामला सामने आया है शहर कोतवाली क्षेत्र के पलटन बाजार से, जहां बीती रात चोरों ने 3 दुकानों पर एक साथ हाथ साफ कर दिया। चोरों की एक करतूत दुकानों में लगी CCTV कैमरे में कैद हो गई है। बड़ी बिजली दरों के विरोध में उतरा किसान मोर्चा, लक्सर के पावर हाउस पर दिया धरना। उत्तराखंड किसान मोर्चा ने किसानों व क्षेत्र के लोगों की समस्या को लेकर लक्सर के बिजली घर पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 4 सूत्रीय ज्ञापन भेजा। किसान मोर्चा ने बढ़ते बिजली के रेट व बिजली कटौती के संबंध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर बिजली के दाम कम नहीं किए गए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए गुजरात से बुलाई गई टीम, प्राइवेट शिकारियों को वापस भेजा। रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज में आतंक का प्राय बन चुके बाघ को पकड़ने या मारने के लिए अब गुजरात से ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन किंगडम की टीम को बुलाया गया। विभाग ने प्राइवेट शिकारियों को अभियान रोककर उन्हें वापस भेज दिया है। हरिद्वार के कारोबारी ने 6 फर्जी फर्म खोलकर लगाए 11 करोड़ के GST को चूना, हुआ गिरफ्तार। हरिद्वार के एक व्यापारी ने सरकार को 11.5 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है। ये व्यापारी 6 फर्जी फर्म बनाकर ठाट से कारोबार कर रहा था। टैक्स चोरी करने के आरोप में इस व्यापारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यौन शोषण मामला, स्वामी प्रखर महाराज के बचाव में आई शिष्या, परिजनों पर लगाए गंभीर आरोप। प्रखर महाराज पर लगे आरोपों का उनकी शिष्या चिदानंदमयी ने खंडन किया है। जवाब में उन्होंने अपने ही परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चिदानंदमयी ने अपने माता पिता पर आश्रम की संपत्ति हड़पने की साजिश रचने का आरोप लगाया, साथ ही उसने परिजनों से जान के खतरे की भी बात कही है। BJP स्थापना दिवस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले CM धामी, का हर राज्य लागू करे ये कानून। BJP आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस खास मौके पर एक बार फिर से CM धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई। CM धामी ने कहा 12 फरवरी 2022 को उन्होंने यूनिफॉर्म कोड का जो संकल्प लिया था उसे वे हर हाल में पूरा करेंगे। खनन से मालामाल सरकार, नैनीताल से मिला 147 करोड़ का राजस्व। साल 2021-22 में प्रदेश सरकार ने खनन विभाग को 750 करोड़ का लक्ष्य बना दिया था। पिछले साल की तुलना में इस बार राजस्व में वृद्धि हुई है। नैनीताल जनपद में अकेले 147 करोड़ खनन से राजस्व की प्राप्त हुआ है। हल्द्वानी में शराब डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर 31 लाख की ठगी, मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड में शराब स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर झांसा देकर 31 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। हल्द्वानी के मुखाने थाना कुसुमखेड़ा निवासी हिम्मत सिंह रावत ने पुलिस में तहरीर देते हुए पंजाब की एक कंपनी पर शराब डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पूरे मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आशा रोड़ी में पेड़ काटे जाने का विरोध तेज, धरने पर बैठेंगे सामाजिक संगठन।
आशा रोड़ी में एलिवेटेड रोड के लिए पेड़ काटे जाने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। सामाजिक संगठन और पर्यावरण प्रेमी इसके विरोध में धरने पर बैठेंगे। वहीं राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदीप कुकरेती ने बताया कि बैठक में यह भी तय हुआ है कि 10 अप्रैल तक रोजाना 4 से 5 घंटे वहाँ पेड़ काटने का लोग विरोध करेंगे। हल्द्वानी में गाड़ियां खराब, फिर भी सर्टिफिकेट दे रहे ड्राइविंग स्कूल, RTO ने मांगा जवाब। शहर के मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों द्वारा वाहनों के प्रशिक्षण सर्टिफिकेट जारी करने में अनियमितताओं का मामला सामने आया। अनियमितताओं की शिकायत मिलने के बाद संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी संदीप सैनी ने हल्द्वानी के 3 हैवी व्हीकल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल पर छापेमारी की। 2 मोटर ट्रेनिंग स्कूलों में भारी अनियमितताएं मिली है। अद्भुत गुफा गंगोलीहाट में मिली 9 तल की अद्भुत गुफा, महाकालेश्वर हुआ नामकरण। गंगोलीहाट क्षेत्र में फिर से एक अद्भुत गुफा का पता लगा है। ये गुफा करीब 200 मीटर लंबी है। इस गुफा में 9 तल है। इस गुफा को खोजने वाले युवाओं ने इसे महाकालेश्वर का नाम दिया है। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये गुफा प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर से बड़ी भी हो सकती है। बुरांस के फूलों ने महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर, जूस को बनाया आजीविका का आधार। विकासनगर में बुरांस के फूलों से महिलाएं जूस तैयार कर रही हैं, इससे उन्हें रोजगार मिल रहा है। यहाँ तैयार होने वाले जूस की डिमांड भी बढ़ रही है। कॉर्बेट प्रशासन वनाग्नि को लेकर सतर्क, ग्रामीणों को किया जागरूक। कॉर्बेट प्रशासन और WWF द्वारा इन दिनों वनाग्नि की घटनाओं और वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में वाइल्ड लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा रामनगर में संयुक्त बैठक आयोजित की गई। यूपी में योगी ने की सख्ती, तो नशे के सौदागरों ने उत्तराखंड को बनाया टारगेट, एक स्मैक तस्कर गिरफ्तार। हरिद्वार में यूपी के रहने वाले एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तस्कर के पास से 6.20 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। तस्कर ने बताया कि वो यूपी में पुलिस की सख्ती के बाद उत्तराखंड में स्मैक की सप्लाई कर रहा था। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे अल्मोड़ा के बिष्ट ब्रदर्स राष्ट्रपति भवन तक कर रहे पैदल यात्रा। अल्मोड़ा के बिष्ट बंधु अपने अनोखे अंदाज में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। अल्मोड़ा के चौखुटिया के रहने वाले शंकर और प्रमोद राष्ट्रपति भवन तक की पैदल यात्रा पर निकले हैं। शिक्षिका को भेजता था अश्लील मैसेज, पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक शख्स शिक्षिका को अश्लील मैसेज भेजा था। शिक्षिका काफी दिनों तक मामले को हल्के में ले रही थी, लेकिन जब वो बार बार मैसेज करने लगा, शिक्षिका ने पुलिस से शिकायत कर दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अश्लील मैसेज भेजने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार टनकपुर निवासी एक महिला शिक्षिका ने उन्हें व्हाट्सएप नंबर पर अश्लील मैसेज और फोटो भेजने की महिला हेल्पलाइन नंबर 112 पर शिकायत की। इस मामले में महिला ने टनकपुर कोतवाली में शिकायत पत्र देते हुए अज्ञात युवक पर कार्रवाई की मांग की थी। साइबर सेल टीम की जांच में अभियुक्त अमर सिंह बिष्ट निवासी ग्राम तुमरा निकोड को गिरफ्तार कर लिया। देरा टनकपुर क्षेत्र से युवक को गिरफ्तार कर लिया। उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने बताया कि आरोपी युवक शातिर अपराधी है, जो फर्जी मोबाइल नंबर से उक्त महिला को अश्लील मैसेज भेजकर परेशान कर रहा था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। रुद्रप्रयाग अलकनंदा नदी में डंप किया जा रहा मलबा, जलीय जीवों पर मंडराया खतरा। रुद्रप्रयाग में सड़क कटिंग का कार्य कर रही कार्यदायी संस्था की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां सड़क कटिंग का मलबा डालने के लिए डंपिंग जोन तो बनाया गया है, लेकिन सड़क का मलबा सीधे अलकनंदा नदी में फेंका जा रहा है, जिससे जल प्रदूषित होने के साथ साथ जीव जंतुओं के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। शिवालिक नगर पालिका में हुए घोटालों की SIT जांच की मांग, आपने CM को भेजा ज्ञापन। हरिद्वार जिले की शिवालिक नगर पालिका में कुंभ के दौरान सफाई कर्मचारियों के भुगतान को लेकर हुए घोटाले के SIT जांच की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, साथ ही इस मामले में मुख्यमंत्री को भी एक ज्ञापन भेजा है। देहरादून IT पार्क निर्माण मामला, नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। देहरादून निवासी अजय नारायण शर्मा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि देहरादून स्थित थाना में प्रशासन द्वारा जलमग्न भूमि को बंजर भूमि में बदलकर वहां भारी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। खटीमा प्रशासन की चेतावनी, 72 घंटे के अंदर धार्मिक स्थलों से हटा ले लाउड स्पीकर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन करना शुरू कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर नहीं बजाया जाएगा। खटीमा प्रशासन ने इसी को लेकर बुधवार को धार्मिक स्थलों के संचालकों को चेतावनी दी है। USEC और IIRS की धौली गंगा पर रहेगी नजर, उत्तरी रायकांडा और पूर्वी कॉमेट ग्लेशियर पर चल रहा अध्ययन। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग को धौली गंगा के उद्गम ग्लेशियर पर पैनी नजर रखने की संयुक्त जिम्मेदारी दी गई है। यह दोनों संस्थान धौली गंगा के उद्गम उत्तरी रायकांडा और पूर्वी कॉमेट ग्लेशियर पर निगरानी कर उसका अध्ययन कर रहे हैं। महामारी में लोगों की जान बचाई, अब सरकार ने छीन ली नौकरी। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में कोविड महामारी के दौरान करीब 2100 नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर के पदों पर भर्तियां की गई थी। अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के चलते सभी को नौकरी से हटा दिया गया है। नाराज कर्मचारी लगातार धरना दे रहे हैं। देहरादून के 2 अस्पताल के बाहर 12 दिनों से धरना जारी है। प्रणव सिंह के फिर बिगड़े बोल, मैं असली चैंपियन, उमेश को बताया मेंढक।
कानपुर के पूर्व विधायक प्रणव सिंह हमेशा से ही अपने बिगड़े बोलों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने विधायक उमेश कुमार को मेंढक और खुद को असली चैंपियन बताया है। उन्होंने कहा कि वे उमेश कुमार को एक थप्पड़ में धूल चटा देंगे, साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए। चैंपियन यही नहीं रुके, उमेश की जीत पर कहा कि परिस्थितियां बदली हैं। उमेश कुछ नहीं है, ब्लैक मार्केटिंग से कमाया पैसा और शराब के बल पर उमेश ने चुनाव लड़ा है। उन्होंने कहा कि ब्लैकमेलिंग, भ्रष्टाचारी, बलात्कार जैसे गंभीर आरोप भी उमेश पर लगाए हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक नतीजे भी कुछ भी रहे हों, लेकिन खानपुर विधानसभा में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने आप को हरा हुआ नहीं मानता, क्षेत्र की जनता की सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे। वहीं चैंपियन ने कहा कि झोटा बुग्गी के नीचे चलने वाली टिटरी समझती है कि सारा बोझ उसी पर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उमेश कुमार की हालत भी कुछ ऐसी है, पैसे और शराब के बल पर जीतकर कोई समाज सेवी नहीं होता। कोचिंग के नाम पर 160 बच्चों को ठगा, जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़े, साथ ही किट्टी और जमीनों की धोखाधड़ी के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। अब एक और मामला सामने आया। इस मामले में कुछ ठगों ने एनडीए की कोचिंग के नाम पर 160 बच्चों से लाखों की ठगी को अंजाम दिया है। मामले का खुलासा छत्तीसगढ़ से मिली एक शिकायत के बाद हुआ। शिकायत मिलने पर डीजीपी अशोक कुमार ने एसएसपी को जांच के आदेश दिए और एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट देने को कहा है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, यहां एक साथ बीमार हो गए 150 लोग, मचा हड़कंप। पिछले दिनों हरिद्वार जिले में विभिन्न जगहों पर कुट्टू के आटे से बने पकवानों को खाने के बाद कई लोग बीमार पड़ गए थे। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। टिहरी जिले के देवप्रयाग की किमोली और पारतोली गांव में सहभोज के दौरान 150 से अधिक लोग बीमार हो गए। जानकारी के अनुसार दोनों ही गाँव के लोगों का सहभोज था। खाना खाने के बाद किमोली पारतोली गांव के कई लोग बीमार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजा गया। टीम मौके पर पहुंच गई। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिर क्या खाने से लोगों की हालत बिगड़ी है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।